गुड आफ्टरनून बच्चों कैसे हैं भाई आप लोग चलिए आज यार 2021 का पहला दिन तो कुछ मतलब टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं वैसे तो ये कि जोलॉजी चली रही है नीट वेदा पे और आप लोग बहुत मन से पढ़ भी रहे हैं आपके रेस्पॉन्स भी हमारे पास आ ही रहे हैं लेकिन आज यार हम लोग कुछ डिफरेंट बात करने आए हैं बात तो मे भी ये कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग और आप लोगों तो ने एक चीज़ नोटिस करी हो शायद अभी तक नोटिस नहीं करी होगी अच्छा चलो मैं बताता हूँ बच्चों हमारी स्पीशीज़ जो है मतलब ईश्वर ने इतनी सारी स्पीशीज बना रखी दुनिया में तो ये जो आर्टिकुलेटेड स्पीच है ना ये कि जो शब्दों को जोड़ के बोलते चले जाना ये सिर्फ इससे सिर्फ हम ही ब्लेस्ड हैं बस ऐसा हम ही कर पाते हैं हमारे घर में कुछ पैरट्स होते हैं जैसे कुछ पैरट को लोग बाग दो चार वर्ड सुना देते हैं सिखा देते हैं या फिर कुछ और एनिमल आप उनसे चाहो यार के बैठ के बातें करें यार बोर हो रहे हैं तो वो नहीं हो सकता बस आप उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखा दो उतनी बात कर सकते हैं तो एक तो ये मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि यार जितना जब से हमने स्पीच सीखी है जब से हमने बोलना सीखा है तब से लेके आज तक और अगर आप अभी भी अपने आप को वेरीफाई करो तो फिर ये कि 80 परसेंट बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे 24 घंटे के चैट्स को अगर आप लोग नोटिस करो उसमें गॉसिपिंग होती है उसमें प्रोडक्टिव बात बहुत कम होती है मतलब 20 परसेंट प्रोडक्टिव बात करते हैं पूरे दिन में वर्तमान एट्टी परसेंट हम लोग गॉसिपिंग करते हैं फैक्ट चेक करना चाहोगे आप लोग सुबह चार बजे लोग बात शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ कोई भजन बेचना शुरू कर देता है अपनी एज के हिसाब से कोई जोक्स बेचना शुरू कर देता है अपनी एज के हिसाब से पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहता है रात में सोने तक गुड नाइट तक और उसमें भी ये कि जो आपकी एज है अगर मैं उसको एड्रेस करूँ मैं पर्टिकुलरली तो उसमें ये है कि यार बाबू ने खाना खाया नहीं खाया या फिर पानी पिया नहीं पिया तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं सुबह से शाम तक व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन देखना कि हम लोग कितने प्रोडक्टिव बात करते हैं घरों में भी देखिए यार के वो माता जी अपने बच्चों से बात कर रही हैं या फिर पापा बेटों बच्चों से बात कर रहे हैं कितनी देर हम लोग यार वो इंटरेस्टिंग मतलब ये प्रोडक्टिव बात कितनी कर पाते हैं चलिए अच्छा यहाँ पे आप कहोगे उतने आपने भी यार वही कुछ फ्यूटाइल डिस्कशन शुरू कर दिया तो यहाँ पे यार मैं बहुत कम टाइम लूँगा आप लोगों का लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ तो आज यार हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी लर्निंग टेक्निक्स जो हैं उनको हम कैसे इंप्रूव करें क्योंकि यार ये बड़ा कॉमन सवाल है यार मुझे भी 25 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए और बच्चों के सबकी एक बड़ी कॉमन क्वेरी होती है कि यार पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता हाँ एग्जाम से पहले सब कुछ भूल जाते हैं टेस्ट से पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लैंक है ये सबकी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और उस एनजाइटी के चक्कर में टेस्ट गड़बड़ हो जाता है एग्जाम बिगड़ जाते हैं हम लोगों के साल खराब हो जाता है तो ये सारी चीजें हैं और प्लस ये कि अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो एक बड़ा ये कि यार कि कितने घंटे पढ़ें यार हाँ कि कुछ आउटपुट आ जाए कितने घंटे पढ़ें यार कि रैंक निकल जाए एक तो ये कि आर्ट्स का पढ़ना कोई मतलब नहीं है यार हम एक तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यार हमें क्वांटिटी में नहीं पढ़ना हमें जब भी पढ़ना है तो हमें क्वालिटी में पढ़ना है मतलब ये कि हो सकता है कि किसी दिन आप यार पढ़ने का तो मूड नहीं है ज़बरदस्ती आप लोग किताब लिए बैठे हैं किताब तो आपने चार घंटे लेके बैठे रहे आप लोग तो क्वांटिटी तो आपकी फोर आवर्स की हो गई लेकिन अगर आप लोग उसमें क्वालिटी चेक करो हो सकता है आपको एक पेज भी याद ना हुआ हो आप वहां से उठे लेकिन लर्निंग आउटकम आपका कुछ भी नहीं था आप कुछ भी सीख के नहीं उठे और किसी दिन यार आप मन से पढ़ने बैठे हो हो सकता है आपने एक घंटा पढ़ा सिर्फ लेकिन उस एक घंटे में हो सकता है आपने पूरा चैप्टर बिल्कुल अपने दिमाग में छाप दिया अच्छे से याद हो गया उस चार घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव आपका वो एक घंटा रहा तो एक तो ये कि क्वांटिटी का कोई काउंट नहीं है अगर आप ये सोचें कि यार अब दस घंटे रोज पढ़ लें हमारा हम एग्जाम क्वालीफाई कर जाएंगे हम यार बारह घंटे रोज पढ़ ले एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो यार में मत पढ़ना यार, आज की बाद। अच्छा अब आती है पास, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे उनके स्पेसिफिक नाम भी हैं कुछ ये है। बड़े बड़े लोगों ने यार उनको डेवलप कर रखा है और साइंटिफिकली एक टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक का नाम हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले सुन रखा हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो इस टेक्निक में मतलब एक बेसिकली फ्रेंसिस को एक बंदा था जिसको खुद लर्निंग की दिक्कत थी जिसको खुद लर्निंग में प्रॉब्लम होती थी इसको खुद चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती थी अच्छा एक और मैं ब्रीफ करूँ आपको अगर हमें यार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना हो तो जिन लोगों ने यार इससे पहले कितनी बार समिट कर रखा हो तो क्या वो बेस कैंप से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक यार बस ऊपर ही जा रुकना है एक ही बार में जाके रुकना है इज इट पॉसिबल या फिर टुकड़ों में यार के यार अभी हमने यार कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग कुछ रुक जाते हैं फिर डिस्टेंस क्लाइम कर लेते हैं तब या फिर यह कि आपको कहीं ट्रैवल करना है 400-500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना है तो एक स्ट्रेच में ट्रैवल करना है। या फिर यह एक घंटा ड्राइव कर लिया उसके बाद कहीं चाय पी लिए रुक के हाँ फिर एक घंटा ड्राइव कर लिया उसके बाद चाय पी ली कौन सी आपको क्या लग रहा है यार कि कौन सा सफर इंटरेस्टिंग रहेगा या फिर कौन सी स्ट्रेटजीज मतलब इंटरेस्टिंग रहेंगी तो चाहे माउंटेन क्लाइंब करना हो चाहे आपको ड्राइव करना हो यही थॉट आपको अप्लाई करता है पढ़ने में ठीक है आपको खूब सारा पढ़ना है ना तो आप एक काम करिए उसको हम लोग टुकड़ों में बांट लेते हैं हम एक चैप्टर पूरा पढ़ना है हम एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ेंगे हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं हमें एक सेटिंग में दो घंटे पढ़ना है हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं ये प्रूव्ड टेक्निक्स हैं बच्चों ये प्रूफ टेक्निक है और डेफिनेटली इनसे आपका लर्निंग आउटकम बढ़ेगा इनसे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी बच्चों आपको करना क्या है कि सपोज आपको कोई टॉपिक आप सबसे पहले तो आपको करना ये है अब वो पोमोडोरो जो मैंने आपको बताया उसमें जो फ्रेंसिसको थे जिनको लर्निंग की प्रॉब्लम थी बेसिकली उन्होंने खुद अपने लिए टेक्निक डेवलप करी थी और वो इतनी इफेक्टिव टेक्निक है कि अब उसके ऊपर पूरे ऐप भी अवेलेबल हैं हाँ उसके लिए उन्होंने बुक भी लिखी हुई है आप कहीं से भी वो आप डेटा और वेरीफाई कर सकते हैं तो बेसिकली पोमोडोरो वर्ड का तो मतलब एक टोमेटो होता है उनके पास एक टोमेटो की शेप में टाइमर था जिसको उन्होंने यूज़ किया था और उसी से उन्होंने उस टेक्निक का नाम भी वो फ्रेंसिस को टेक्निक ना रख के उन्होंने पोमोडोरो टेक्निक रख दिया था ठीक तो यहाँ पे भी यार हमारी टमाटर टेक्निक जो है ये जो हमारी पोमोडोरो टेक्निक है इसमें करना क्या है आपको बच्चों सबसे पहले तो ये कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं हाँ उसको आप एक प्लेन पेपर पे सेंटर में लिख लें सब आप डाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सब आप मैथमेटिक्स कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी आपका टॉपिक है पहले आप उस टॉपिक को सेंटर में लिख लें अब करना है क्या है बच्चों आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि हो सकता है कि आपके सेशन अटेंड करना भी आपको बोरिंग लग रहा हो लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं इसको जस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट में वाइंड अप करूंगा कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लग रही है बस इतनी देर तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा ठीक है तो बच्चों मैंने आपको यह बताया कि आजकल हो क्या रहा है ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें भी स्पेशली ये टिकटॉक वीडियो जो है इनकी ड्यूरेशन कितनी यार पांच मिनट की दस मिनट की तो हमारा बेसिकली ब्रेन जो है वो कुछ ऐसे अडेप्ट हो गया कि वो हर पांच दस मिनट बाद जो है किसी चीज को कंटिन्यू करना बोरिंग लगने लगता है उसको वो उसको एकदम से चेंज करना चाहता है तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एकदम से यार उसमें क्या होता है क्या नहीं यार बोरिंग हो रहा है यार अब इसको छोड़ो यार तो हमारा मजा आना बंद हो जाता है हमारा का सिक्रेशन जो है हाँ, वो कुछ कम होने लगता है वो बंद होने लगता है यार कुछ है। और यार अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यार वही हैप्पीनेस हार्मोन है और वही बेसिकली हमारे एडिक्शन के साथ रिलेटेड है तो पढ़ने में भी यार हमें एडिक्शन डेवलप करना है वो कैसे डेवलप होगा उसके लिए मैंने आपको बताया कि यार जैसे सपोज आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको आपको टुकड़ों में बांटना है अब टुकड़ों में बांटना मतलब ये कि जो आइडियल टाइम है वैसे सबके लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि ईश्वर ने हम सबको दुनिया में अलग बना रखा है सबका डिग्री अलग है हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों हमें करना ये है कि हमें सपोज ये कि 25 मिनट्स के हमें कुछ स्ट्रेच लेने हैं हमें 25 मिनट के स्ट्रेच लेने हैं हमें 25 मिनट उस टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद आप लोग पांच मिनट का ब्रेक ले लीजिए उसके बाद आप पांच मिनट का ब्रेक ले लीजिए और टॉपिक आपने जिस पेपर पे लिखा हुआ है क्योंकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे आपने उस टॉपिक का नाम लिखा है तो यहां पे आप एक एरो लगा दीजिए कि भैया ये पहला ब्रेक आपका हो गया ठीक है क्योंकि कभी कभी पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आने लगता है हमें कि वो चीजें भूल जाते हैं तो यहां पर आपने यार पांच मिनट का जो ब्रेक लिया आपको रूम छोड़ के बाहर दी जाना है यार ठीक है आपको YouTube में नहीं घुसना यार क्योंकि अगर उसमें चले गए फिर आपको PUBG स्टार्ट नहीं करना है अभी आपको पांच मिनट का जो ब्रेक लिया है जो आप अपनी डेस्क से उठे हो अपनी चेयर से उठे हो बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए थोड़ा बहुत ही गर्दन घुमाइए अपनी आंखें इधर उधर करिए हाथ पैर अपने फैलाइए जिससे कि थोड़ा सा हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो हमारी मसल भी यार अगर एक ही पॉस्चर में बैठी रहती है तो वो भी हमें दिक्कत करेंगे यार तो बस इतना ही करना है यार आपको थोड़ा पुश अप सेटअप यार दो चार मिनट के लिए यार लगाइए और वापस से आप आके अपनी सीट पर बैठ जाइए ठीक है फिर आपको पच्चीस मिनट दूसरा स्ट्रेच लेना है ठीक है अभी आपको ये दोबारा पच्चीस मिनट पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है ये पच्चीस मिनट में आपका टॉपिक जितना भी खिंचा उसके बाद फिर आप एक काम करिए फिर एक पांच मिनट का ब्रेक लीजिए फिर आपको वही सब चीज रिपीट कर दिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कुछ जो है कार्डियो कर सकते हैं पांच मिनट बस पांच मिनट का ब्रेक ज्यादा देर का ब्रेक नहीं यार क्योंकि अगर आपने ज्यादा देर का ब्रेक ले लिया तो वो जो आपने पढ़ रखा था वो जो आपकी मेमोरी सेटल हो रही थी वो जो कंसोलिडेशन हो रहा था मेमोरी का फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर वो टॉपिक का कंटिन्यूएशन ही आपका बिगड़ जाएगा आपको फिर यार यहां पे क्या ही, क्या किया आपने एक दूसरा ब्रेक ले चुके हैं आप लोग अब यहां पे आपने फिर ये तीसरा टॉपिक मतलब ये आपने तीसरे स्टेच पे चीजों को पढ़ा ठीक और फिर यहाँ पे आपका क्योंकि तीसरा स्टेच आपने जब तीसरा ब्रेक लिया तीसरे में 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 फिर फिर आपको वही रिपीट करना है है एंड आपने ये हमारा नेक्स्ट मतलब लास्ट में आ गए हम ठीक तो एक एटलीस्ट दो घंटे तो पढ़ना होता ही यार अब ऐसा कोई यार कि हम आधे घंटे में पढ़ के उठ जाएंगे अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं कम से कम एक दो घंटे का थॉट हमें चाहिए तभी जाके टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा तभी हम उसको जाके एब्जॉर्ब कर पाएंगे कुछ है ना और यहां पे बच्चों अगर आप देखें 25 25 मिनट के अगर हमारे चार सेट हो गए और 5 5 मिनट का हमने ब्रेक ले रखा था तो इसका मतलब ये कि हमारे अभी कितना टाइम हो गया हमारे पास ये हमारे दो घंटे से अभी पांच मिनट पहले हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया अभी दो घंटे के बाद आप लोग क्या कर सकते हो दो घंटे के बाद आप फिर ये 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो दो घंटे के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो क्योंकि अब आपका एक टॉपिक का पूरा स्ट्रेच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा ठीक लेकिन बच्चों यहां पे एक चीज और भी है ये 25 25 मिनट के ब्रेक हैं ये प्रूवन टेक्निक्स है डेफिनेटली लर्निंग इंप्रूव लेकिन यहां पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हमारे दिमाग को हम लोग जैसे ट्रेन करते हैं ना ये वैसे ही काम करने लगता है मैं एग्जाम्पल दू आपको कि कुछ चीजों के लिए हमें दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा या करना पड़ता है किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ लग जाए साल दो साल लग जाएंगे हटने में अच्छा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारा हाथ हट जाएगा किसी छोटे बच्चे को सिखाने की जरूरत भी नहीं यार हाँ ऑटोमेटिकली हमारी जीन्स में हमारे सॉफ्टवेयर में ईश्वर ने डाल रखा है कि भैया ऐसा खुद होना है इसके लिए दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है ये हमारा कैसा है ये हमारा अनकंडीशन रेस्पॉन्स बोलते हैं अगर मैं टेक्निकल इसके लिए वर्ड बोलूं ठीक है और अगर हम लोग बात करें यार के सपोज मैं आपको कोई गिटार दे दूं भैया इसको प्ले करो हाँ या फिर ये के कोई बहुत छोटा बच्चा हो हाँ मैंने उसको यार लेसेस दे दिए कि ये शूज़ पहना दी होते भाई लेसेस खुद टाई करो मैंने उसको यार गले में टाई दे डाल दी होते भैया इसको खुद टाई करो या फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल है मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर किसको बिठा दूँ उसने यार कार जो है चलाओ तो यार इन सब चीज़ों के लिए ये हमारी जीन्स में नहीं है भैया ये ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं देगा इन सब के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है तो यह लर्निंग के लिए भी जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूं इसके लिए भी आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा और जब ये कुछ दिन आपकी अभ्यास में आ जाएंगे जब ये कुछ प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो फिर दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली पच्चीस मिनट पढ़ोगे पांच मिनट का ब्रेक फिर पच्चीस मिनट पढ़ोगे फिर पांच मिनट का ब्रेक ये हमारी कंडीशनिंग में आ जाएगा ठीक अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता रहा था कि 25-25 मिनट ब्रेक के बाद अगर ये पांच मिनट ये ब्रेक लेने की आदत हो गई तो फिर ये दिमाग हमारा एग्जाम में धोखा देगा ठीक है एग्जाम में धोखा देगा मतलब ये कि अगर आप लोग बोर्ड लिखने जा रहे हो अभी हाँ फोर्थ में से जो डेट अनाउंस हो गई है और तब भी आपको यार कम से कम तीन घंटा एक स्ट्रेच में बैठना पड़ेगा अगर आप नीट के एग्जाम देने जा रहे हो या जेई के एग्जाम एक देने जा रहे हो तो वहां पे भी हमारे पास जैसे तीन घंटे का एक स्ट्रेच है ब्रेन तो 25 मिनट बाद क्या कहेगा भैया छोड़ पांच मिनट का ब्रेक चाहिए यार स्ट्रेचिंग करनी है आ, तो दिक्कत हो जाएगी यार तो इसलिए आपको एक चीज और प्रैक्टिस में रखनी पड़ेगी कि आपको हर वीक एटलीस्ट तीन घंटे लगातार बैठना ही बैठना है और कोशिश करिए रियल टाइम में रियल टाइम मतलब यह कि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम का टाइम सपोज ग्यारह बजे से है तो आप फिर यह कि जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ पेपर को लिख रहे हैं तो फिर 11 बजे से बैठिए यार अच्छा रहेगा आपकी क्लॉक भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होगी अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं सपोज ये क्या आफ्टरनून में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल सपोज जो है उसका टाइम टू, टू फाइव है तो आप कोशिश ये करिए कि जब घर पे आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो फिर आप वो टू टू फाइव वाले टाइम में प्रैक्टिस करें एग्जाम कोशिश हो सकता है शायद जून में हो अभी डेट्स जो भी हैं आनी है तो यहाँ पे यार यह ये ठीक है ये सेशन हो सकता है बाद में प्ले करो आपको यार अभी तो जून नहीं है अभी तो एग्जाम कट ये तो जस्ट हम बात कर रहे थे फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर टेक्निक्स पे वापस आते हैं बच्चों पोमोडोरा टेक्निक आपको कोई भी टास्क को उसको किसमें उसको फिर ये कुछ छोटे छोटे हो सकता है आपका दिमाग 25 मिनट हो, हो बाद आप कुछ देखिए दस मिनट बाद दिमाग घूमने चला जाता है आप रहे हो ना हाँ हो सकता है कि आपका दिमाग जो है किसी मूवी में चला गया हो सकता है आपका दिमाग पबजी में चला गया हो सकता है आप कुछ और यूट्यूबिंग कर सोच रहे हो दिमाग अर्ज कर होता है नहीं यार हटा यार पलट पलट यार चेंज कर यार तो दस मिनट और बने रहिए बस कंप्लीट करते हैं इसको चलिए बच्चों तो में, में एक दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस टेक्निक का नाम है बच्चों टेक्निक वो फेमन टेक्निक जो है वो फेमिन बेसिकली एक बहुत बड़े थिंकर थे बहुत जो है रेशनल थिंकर थे बड़ी लॉजिकल चीजें उन्होंने डेवलप कर रखी है उन्होंने क्या किया उन्होंने भी बताया कि लर्निंग जो है इसको भी हमें टुकड़ों में करना है उन्होंने भी बोला कि यार सबसे पहले तो आप एक टॉपिक अपना सेलेक्ट करिए उसको आप बिल्कुल पेपर के सेंटर में लिखिए और उन्होंने ये बोला कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सपोज आपने यार उसको एक बार सपोज आप यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो आपने लेक्चर देख लिया सपोज आप क्लास अटेंड कर रहे हो आपने क्लास अटेंड कर ली उसके बाद आप क्या करिए कि आप चाहे एनसीआर से या जो भी आपको नोट्स रिकमेंडेड हो उनसे आप उस टॉपिक को एक बार रीड करिए और उसके बाद एक प्लेन पेपर उठा के उसको ब्रेन डंप करिए ब्रेन डंप करने का मतलब ये कि जो भी आपने सुना जो भी आपने पढ़ा हाँ उसमें से आपने कितना आपके याद रहा आपको अब दोबारा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है आपको अब दोबारा से जो है उसको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है आपने रीड कर लिया एनसीआर रीड कर ली अब एक प्लेन पेपर उठाइए उसके ऊपर आप उसमें से जो भी आपने याद रहा आपको उसको लिख दीजिए आपको जो भी याद रहा टुकड़ों में याद रहा कोई दिक्कत नहीं उसकी सीक्वेंस नहीं है कोई इशू नहीं है आपको जो भी याद उनको लिख दीजिए ठीक है अगर वो आपको बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आप उसको उन पॉइंट्स को लेके उस टॉपिक को थोड़ा नरेट करिए कि चल बेटा आतुरिया मैं डायरेक्शन पढ़ाता हूं आज अरे बोल कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ यार समझाता हूँ कैसे होता है यार अब वो एक को एक अपने छोटे से बच्चे को जिसको मोल कॉन्सेप्ट का पता नहीं है जिसको डाइजेशन का पता नहीं है जिसको हार्मोन का पता नहीं है जिसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पता नहीं है और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब यह कि आप उसमें सिंपल से सिंपल मेथड एडॉप्ट करने की कोशिश करोगे आपका दिमाग जो है ना यार इसको सिखाना है यार ठीक और आप कोई भी चीज तभी दूसरे को समझा सकते हो जब आपको खुद वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो अब क्या है जब आप उस बंदे को सिखा रहे होगे अगर कोई पकड़ में नहीं आता है आपके कोई आपको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है तो आप एक काम करिए अपना सॉफ्ट टॉय है उसको एज्यूम करिए कि यार ये कोई बंदा है मेरा स्टूडेंट है इसको मुझे यार ये टॉपिक पढ़ा के भेजना है कुछ नहीं है यार घर में पिलो तो होगा ना उसको साथ में रखिए एज्यूम करिए यार ये स्टूडेंट है एक्स है एक्स स्टूडेंट आज इसको मुझे पढ़ा के ही छोड़ना है देखते हैं तो भाग भी नहीं सकता है, इसके पास तो भागने का भी ऑप्शन नहीं है हाँ तो अब क्या होगा जब आप वो टॉपिक उसको समझा रहे होंगे बस आप समझ जाइए कि अगर आप उसको पूरा टॉपिक समझा गए तो आपका टॉपिक में क्लैरिटी है और वरना फिर ये जहां जहां आप अटके, उनको कर मुझे प्ले करना है या फिर दोबारा टीचर की हेल्प लेके खुद दोबारा से कुछ कोशिश करनी है समझ देगी ठीक अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा अब एक चीज और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चों

अगर साक्षात भगवान भी किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उतर जाए ना आपको उस आधे घंटे में वो टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा लेकिन ये एग्जाम एग्जाम होना है अभी महीने बाद होने साल बाद। आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा उसके लिए आपको क्या काम करेंगे उसके लिए आपके पास काम आएंगे नोट्स और नोट्स अगर सेल्फ मेड हो तो उनसे अच्छा कुछ नहीं होता अब सेल्फ मेड नोट्स पे भी बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे गलती ये करते हैं एनसीआरटी उठाई और उसको लिखना शुरू कर दिया आपको लीनियर नोट्स नहीं बनाने आपको लीनियर नोट्स नहीं बनाने वो किताबों में लीनियर फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चा जब पहली बार पढ़ रहा है तो उसको एक समझाने के लिए उसको ऊपर नीचे दस पांच लाइन बतानी पड़ती है उस टॉपिक का थोड़ा सा वो कुछ इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा उसको कंक्लूड करना पड़ेगा वो सब जरूरी है जब बच्चा पहली बार पढ़ रहा है लेकिन जब बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया अब उसको उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है अब उसके कॉन्क्लूजन की जरूरत नहीं है अब उसको चाहिए उसमें की पॉइंट अब उसको चाहिए उसमें की पॉइंट आपको नोट्स जो बनाने हैं वो बनाने हैं आपको स्पाइडर नोट्स की फॉर्म में हो सकता है ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं हो लेकिन मेरे बोलने से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइडर नोट्स का मतलब क्या हुआ स्पाइडर नोट का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं यहां लिख दू चलू है ना क्योंकि कुछ वही कि अगर मैं लिखूंगा तो आप कनेक्ट हो पाओगे स्पाइडर नोट्स को मैंने यहां पे कुछ हाईलाइट किया मतलब आपको क्या करना है यार ये सेंटर जैसे स्पाइडर का वेब जैसे बनता है ना जो टॉपिक का मेन थीम है उसको आप लोग सेंटर में लिखो और उसके बाद फिर उसकी ब्रांचेस से आप लोग चीजों को लिखते चले जाओ है ना सपोज यार मैंने यहां लिखा है स्केल्टल सिस्टम अब यहां पे स्केटल सिस्टम में मैं बोलता हूँ यार उसके फंक्शन क्या क्या है मैंने इधर लिख दिया कि यार भूमेंट लोकोमोशन में काम में आता है ठीक है मैंने यहां लिख दिया मैकेनिकल सपोर्ट में काम आता है मैंने यहां लिख दिया कि वो मिनरल स्टोरेज के काम में आता है तो इस टाइप से यार हमने क्या किया उसकी ब्रांचेस में हम लोग चीजों को लिखते चले गए और उस मेन टॉपिक के साथ उसको कनेक्ट करते चले गए तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो स्पाइडर नोट्स में क्या होगा जो आपका टेक्स्ट था उसको आपने 20 परसेंट में कंसाइज कर दिया तो अब आप जब उसको रिपीट में पढ़ोगे तो आपको क्या फायदा हुआ बच्चों आपका वो जो एट्टी परसेंट लिखने का टाइम था वो बचा और जब उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो एट्टी परसेंट फालतू तो इंफॉर्मेशन जो आज आपके लिए फालतू तो हो गई पहली बार काम की थी लेकिन अब वो आपके लिए यूज जैसे क्योंकि अब उसका इंट्रोडक्शन समझ में आता है अब कंक्लूजन समझ में आता है अब तो आपको सीधे सीधे पॉइंट्स पर पढ़ना है तो आपका एट्टी रिवीजन में टाइम बचेगा और एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं नोट्स आपको स्पाइडर नोट्स की फॉर्म में बनाने और एक चीज और भी है बच्चों बिना प्रैक्टिस के दुनिया में कोई चीज नहीं आ सकती फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह बोलूं कि यार विराट कोहली की आप लोग वीडियो देखो यार वो कैसे क्रिकेट खेलता है ठीक और युवराज सिंह के आपने वीडियो देख लिया यार उसने छक्के कैसे मार दिए थे यार आप उसके छे छक्के मारने वाला जो मैच था आप सौ बार प्ले करके दोबारा दोबारा देख लो क्या आप पिच पे उतर के छे छक्के मार दोगे यार एक ओवर में नहीं मार सकते क्या विराट कोहली की तरह आप खेल दोगे हाँ मतलब वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली नहीं आपको पिच पे आना पड़ेगा झक मारनी पड़ेगी एक ट्रेनिंग या कोचिंग की जरूरत पड़ेगी तब जाके हो सकता है बैठ पकड़ पाओ हां तब हो सकता है कुछ कोशिश कर पाओ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं चलो अच्छा आपकी मम्मी यार हो सकता है कि यार वो चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ हो सकता है आपकी मम्मी जो है वो शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ आपको ड्राॅइंग रूम में बैठाएं कि बेटा एक काम करना जब तू बनाने जाए तो यार बर्नर ऑन कर उसके ऊपर यार कुछ पैन रख हाँ उसके बाद यार उसके अंदर पानी डाल मसाले डाल ऐसे ऐसे बना ले आपको उन्होंने एक दिन वो वो टेक्निक सुना दी कि कैसे हो बनाती उनकी मम्मी जैसा टेस्ट आ जाएगा अच्छा एक काम करते दूसरे दिन भी सुना दिया मम्मी ने तीसरे दिन भी सुना दिया एक हफ्ते बाद आप कहोगे मम्मी याद हो गई बस अब मत यार आपको पता है यार एक एक पॉइंट क्या बोलने वाली है आपको रेसिपी बिल्कुल याद हो गई क्या आप बर्नर पे जाके आप किचन में जाके आप मम्मी जैसा टेस्ट ला पाओगे आंसर इज अगेन नो आपको क्या करना पड़ेगा मम्मी आपके आपके साथ साथ किचन में आ गई पहली बार उन्होंने सुपरवाइज किया कि भैया ऐसे ऐसे कर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो टेस्ट ना आए नमक ज्यादा हो गया कुछ ज्यादा बुन गया कुछ कम हो गया चलो दूसरे दिन मम्मी ने फिर सुपरवाइज किया तीसरे दिन आपकी हिम्मत आ गई होते हैं मम्मी आप बैठो आज मैं बना के खिलाती हूं हो सकता है तीसरे दिन में भी आपसे कुछ कभी रह गई मम्मी ने बताया उसने बेटा ये रह गई दिक्कत यार चार पांच दिन बनाते बनाते जब हो जाएंगे डेफिनेटली हो सकता है कि आपके टेस्ट में परफेक्शन आ जाए आपके हाथ में परफेक्शन आ जाए हो सकता है मम्मी से बढ़िया टेस्ट आ जाए ना तो किसने यार परफेक्शन कैसे आया प्रैक्टिस से आया तो बच्चों ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए मैंने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल दिया इवन अगर आप लोग वीडियो गेम भी खेलते होंगे ना पब्जी भी अगर खेलते होंगे तो आप सोचो यार जब शुरू में खेलते होंगे तब कितना परफेक्शन था आज कितना परफेक्शन है तो डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट जैसा एग्जाम जी जैसा एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे टॉपिक आपको बिना प्रैक्टिस के आ जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते लेकिन एक चीज और भी है अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं मान लिया या आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं हाँ, आपको टीचर भी बोल देता है कि फिजिक्स जो आज पढ़ा रहा हूं, पचास क्वेश्चन ट्राई करना यार इसके कम से कम यार जब जा जाकर आज का समझ में आएगा केमिस्ट्री वाले ने भी बोल दिया रे, एक काम करो यार कि फिफ्टी क्वेश्चन ट्राई कर लेना यार बायो वाले ने बोल दिया कि ठीक है रुको यार जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यार पूरे टॉपिक के चार सौ पांच सौ क्वेश्चन लगा लेना तो अराउंड आप ये मान लीजिए कि अगर मैं फिफ्टी फिफ्टी भी लू अराउंड तो टू हंड्रेड क्वेश्चन हमारे एक दिन में बनते हैं अगर टू हंड्रेड क्वेश्चन एक दिन में बन रहे हैं तो अगर थर्टी डेज का मैं अगर एक मंथ मानता हूं तो फिर छह हजार में, में आ गए एग्जाम अगर पांच महीने बाद टारगेट है, है, है तो हो सकता है उसके बाद वो बीस अगर मैं पांच महीने अभी जून ही मान लू चलिए अगर पांच छह महीने एग्जाम में है, तो सिक्स थाउजेंड की कैलकुलेशन अगर मैं लेता तो थर्टी थाउजेंड क्वेश्चन हो गए जो हमने एग्जाम से पहले कर लिए अगर थर्टी थाउजेंड क्वेश्चन को मैं एग्जाम से हफ्ता रिवाइज करने की सोचूं तो इंपॉसिबल सी बात है नहीं हो सकता आ, उसका तरीका क्या है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका तरीका बच्चों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ईजी है और इसको मुझे मतलब हो सकता है किसी ने आपको इससे पहले टेक्निक बताई हो हाँ ये मेरी टेक्निक है ठीक है हाँ इसमें ये जो मेरी टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं सपोज ये कि जब आप क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो और ये आपका जो बुक है इस बुक में हो सकता है यहां पे क्वेश्चन नंबर वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है ठीक है तो एक तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है अभी हाँ अगर मैं फिलहाल एग्जाम के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से बात करूं नीट वेदा पे आ रहा है और नीट वेदा वाले बच्चे ज्यादातर की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी हमारी ऑनलाइन चल रही है लेकिन अभी एग्जाम के बारे में यार यही मान के चलो कि किसेंट क्या 100 अभी तो ये है कि जो न्यूज है कि ऑफलाइन ऑफलाइन ही होगा होगा एग्जाम एग्जाम और जब आप लोगों ने दिया तो उसमें एक गलती और होती है है कि कि होता क्या है कि हमारे पास ओ होती है और उसमें हमें गोले भरने होते हैं और अक्सर बच्चे क्या करते हैं यार कि इन गोलों को भरने में भी, भी गलती कर देते हैं इसलिए ये ओ का प्रिंट आउट लेके आप लोग इसके जो है कुछ फोटो करके इसके सेट घर पर रखिए और जब आप क्वेश्चन ट्राई करिए तो कोशिश ये करिए कि भी साथ साथ फिल करिए आप ये नहीं किया कर, हम करते क्या है हमने पहला क्वेश्चन किया दूसरा क्वेश्चन किया तीसरा नहीं हो रहा हमने पीछे आंसर देख लिया नहीं ऐसे नहीं करना यार पहले आप एक में क्वेश्चन कर लो उसके बाद उनको चेक करो जब आप उनको चेक कर रहे हो हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपसे या तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है आपको या आपने उसको ट्राई किया था लेकिन आपका गलत हुआ आप इस तीन नंबर को ऊपर लिख दो यहां पे ठीक इसके बाद आपसे ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, है ये आपने गलत कर दिया ये आपसे हुआ ही नहीं था या जो भी वट एवर द प्रॉब्लम यहां पे आपने सातवें नंबर को भी ऊपर लिख दिया ठीक इधर आपने देखा क्या यह नंबर का क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है अभी दिक्कत कर रहा है इसको आपने ऊपर लिख दिया ये फोर्टीन नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है इसको आपने ऊपर लिख दिया इस पेज के ऊपर फोर्टीन क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन क्वेश्चन में में आपने चार दिक्कत थी आपकी आपने इनको यहां मार्क कर दिया जब आप पहली बार क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो मैं तब की बात कर रहा हूं सपोज आपने इस टॉपिक के 400 क्वेश्चन ट्राई करे और उन 400 क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट शॉट में आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं वो आपसे नहीं हुए थे आपसे गलत हुए थे उनमें कुछ डिफिकल्टी थी चलो ये टॉपिक आपका अभी कंप्लीट हो गया अभी आपने क्लास में टीचर ने दूसरा टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए अब टीचर ने टेस्ट अनाउंस कर दिया कि भैया करंट टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक जो है दोनों का मैं टेस्ट देने जा रहा हूं चलो एक तो टॉपिक ऐसा था जो आपने दिसंबर में कंप्लीट किया और एक टॉपिक ऐसा था जो नवंबर में कंप्लीट किया आपने आपने अब इन नवंबर नवंबर वाले टॉपिक टॉपिक के जो 400 क्वेश्चन करे थे ठीक है ये हमने वाला था और ये दिसंबर वाला टॉपिक है इसके 400 क्वेश्चन अभी है। तो ये तो अभी हमने करंट पढ़ा है ठीक है लेकिन ये हमें कुछ दिन हो गए पढ़े हुए ना तो जब टेस्ट अनाउंस हो रहा है जिसमें ये दोनों टॉपिक आ रहे हैं क्या इसके चार क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत है आंसर इज नो आपको क्या करता है आपको सीधा जब आप उस टॉपिक पे आओगे अपनी बुक पे तो आप सीधा इस नंबर पे आइए भैया इस क्वेश्चन ने अटकाया था तो इसने नाम पता पूछा था भैया ये कैसे होना है अब आपको क्या हुआ कि ये तीन नंबर का क्वेश्चन आपको याद आ गया कि भैया मैंने ये गलती करी थी और इसमें ये लॉजिक लगना था ये फॉर्मूला लगना था तो आप ये करिए कि इस तीन नंबर वाले क्वेश्चन को यहां से हटा दीजिए ठीक है अभी सातवें नंबर पे आए आप लोग उस टॉपिक के जो नवंबर में पढ़ा था और ये आपको अभी भी दिक्कत कर रहा है इसको अभी आप लिखा रहने दीजिए ठीक 10 नंबर या 40 नंबर है ये आपको लॉजिक याद आ गया कि आपने क्या गलती करी थी ये हटाइए अभी आपने 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहली बार में या ऊपर लिखे थे जो आपको दिक्कत कर रहे थे लेकिन अब क्या हुआ उन 50 में से 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब आपको क्लियर हो चुके हैं इस टॉपिक में अब से 10 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अभी भी आपको दिक्कत कर रही हैं चलो अब यहां पे अगर मैं एक टॉपिक में दस प्रॉब्लम है अभी पहले रिविजन के बाद मेरी दस रह गई एक आध बार और रिवीजन कर हुआ हो सकता है पांच ही रह जाएं अगर एक चैप्टर में मेरी पांच प्रॉब्लम है और मैं बायो के अगर एस्टिमेट सपोज 22 चैप्टर जो है प्लस वन में होते हैं 16 क्वेश्चन जो है प्लस प्लस टू वाली बुक में है, थर्टी एट चैप्टर मान लीजिए चैप्टर का मतलब ये क्या अगर एक क्वेश्चन के मतलब एक चैप्टर के मेरे दस पांच डाउट हैं तो हार्डली पूरी बायो में इसका मतलब मेरे चार सौ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मुझे कंफ्यूजन होता है जिसके डेटा में मुझे दिक्कत होती है इसका लॉजिक मैं भूल जाता हूं फिजिक्स में भी 200 क्वेश्चन ऐसे हैं केमिस्ट्री में भी 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आखिरी वीक तक मुझे दिक्कत कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों जब एग्जाम के आखिरी वीक में इन 400 500 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो अगर आपको इनका लॉजिक भी नहीं याद रहता इनका आपको आंसर तो याद रहेगा ही आप एग्जाम में पेपर तो सॉल्व कर ही आओगे इसके मार्क्स तो आपको बुरे मिल ही जाएंगे आपको पता था या नहीं पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलो बच्चों यहां पे यार ये छोटी छोटी सी टेक्निक थी सेशन मुझे लग रहा है यार कि ज्यादा देर का हो गया हो तो मैं एक बार टाइम चेक कर लू क्योंकि वही पोमोडोरा टेक्निक वाली बात थी तो चलो यहां पे यार हमारे 30 मिनट्स होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट और वही 25 का स्ट्रेच मैंने आपको बोला था तो यार यहां पे हम लोग अभी सेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी टाइप की टेक्निक्स जो भी है या फिर लर्निंग के या फिर टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे है या फिर और क्या पढ़ने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं आज के लिए इतना मिलते हैं फिर अगले सेशन में Goodbye.